सुप्रभात बच्चों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 के लिए। हमारे सबसे पहले हमारे हिंदी पुस्तक का नाम है अवनि। अवनि अर्थात धरती, धरती मतलब जहाँ पे हम पूरा संसार रहता है, इसी को कहते हैं अवनि। और इस बुक के माध्यम से इसके अंदर की गहराई को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और इस बुक का पहला चैप्टर का नाम है सुह सिंदूरी। सुह सिंदूरी ये कविता है जिसको मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग 3 से 4 में आए हैं इस संकट घड़ी में, उसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अगर आपके पास किताब उपलब्ध है उसे खोलकर रखें और देखें, कविता के उच्चारण पे ध्यान दे, उनका वाचन सही ढंग से करें और इस कविता को याद भी करना है। तो जो मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है सुबह सिंदूरी। सुबह सिंदूरी। गहन काली माँ हरकर नव को, गहन काली माँ हरकर नव को देता अनुपम नवल सिंगार, कुमकुम वर्णी भाल तिलक वन, कुमकुम वर्णी भाल तिलक वन उगता पूरब से प्रभात। प्रभात यानी सूरज। गहन काली माँ यानी गहरी काली माँ को चीरती हुई नव में जब पूर्व दिशा से सूरज उगती है, सूरज उगता है, वो ऐसा लगता है जैसे कुमकुम का तिलक किए हुए नव पर आग गला है। सप्त रश्मियों की डोरी ले अश्व सप्त सत्सत तैयार, देखो उषा संग ले आया रथ सूरज सकार। सप्त रश्मियों की डोरी यानी 7 किरणों से भरा हुआ रथ, सप्त अश्व सप्त सत्सत तैयार, 7 अश्वों से रथ तैयार किया गया। वो उषा काल में रथ पर सवार होकर प्रभात पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा है। मुन्ना ने अलसाई आंखें मूंदी खोली बारंबार, कमरे से छज्जे पर आके किया सूरज को नमस्कार। मुन्ना ने अलसाई आंखें, मुन्ना अलसाई हुई आंखों को बार बार खोलता है और बंद करता है, और वो अलसाया हुआ ही उठकर कमरे के छज्जे पर यानी छत पर जाकर सबसे पहले वह सूरज को नमस्कार करता है, उगता हुआ सूरज को नमस्कार करता है। चिड़ियों ने तज डाल वृक्ष की सकल गगन में किया विहार, बूढ़े बरगद की साख पर खगदल भ्रमर रहे गुजार। चिड़िया जो वृक्ष की डाल को छोड़कर सकल विहार में समस्त चिड़िया अपने वृक्ष की डाल को छोड़कर समस्त गगन में आकाश में घूम रही है, बूढ़े बरगद की साख पर चिड़िया अपना गुंजन कर रही है। अम्मा भर लाई जल नल से चूल्हा चक्की रही संभाल, बाबा ने भगवान के आगे चढ़ा दिए फूलों के हार। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसान जैसे खेत की ओर जाता है, घर में महिलाएं माताएं सभी चूल्हा चक्की में लग जाते हैं, उन अपना घर का काम काज देखने लगते हैं। बाबा जो नहा धो के तैयार होके भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, यही बताया गया है इस कविता के माध्यम से। जो सुबह होते ही सभी अपने अपने नए स्फूर्ति ताजगी के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और आगे की पंक्ति सुनेंगे। हस्ती गाती प्रकृति प्रतिदिन करती सुमनों का सत्कार, हस्ती गाती प्रकृति प्रतिदिन करती सुमनों का सत्कार, कितनी प्यारी सुबह सिंदूरी, कितनी प्यारी सुबह सिंदूरी भर देती जन जन में प्यार। हस्ती गाती प्रकृति प्रतिदिन यानी हस्ती गाती हुई प्रकृति वो सुमनों का सत्कार करती है। जो सुबह होते ही फूल खिल जाते हैं, गलियां जो खिल जाती है फूल में बदल जाती है, उनका प्रकृति सत्कार करती है। कितनी प्यारी सुबह सुंदरी,
इतनी प्यारी ये सुबह सिंदूरी है जो जन जन में प्यार भर देती है। सुबह होते ही सभी अपने अपने कामों में नित्य कर्मों में लग जाते हैं। चिड़िया सब भी चहचहाने लगती है, गाय भैंस बकरियां भी अपने अपने यथा स्थान पर चले जाते हैं और हम लोग में नई ताजगी के साथ मानव भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कविता का यही आशय है। अब मैं इनको इसका शब्दार्थ पे जाऊंगी और ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे शब्दार्थ लिखी हूँ, उसको देखेंगे आप लोग। जैसे है पहला गहन, गहन का अर्थ होता है गहरी। गहन का अर्थ क्या होता है? गहरी। क्या होता है बच्चों? गहरी। आप लोग बार बार इसको बोल के रट के प्रयास करेंगे याद करने के लिए। नव, नव पहले भी बता चुके, नव नव मतलब आकाश, नव मतलब क्या होता है? आकाश। नवल, नवल मतलब नया, नवल मतलब क्या होता है? नया। भाई यानी ललाट, जिसको ललाट सर मस्तक जो होता है मस्तक, इसी को हम ललाट कहते हैं, ललाट। सप्त रश्मियां यानी सात रंगों की किरणें, सप्त रश्मियां का मतलब होता है सात रंगों की किरणें। अलसाई, आलस से भरी हुई, अलसाई मतलब क्या होता है? आलस से भरी हुई। विहार, विहार मतलब घूमना फिरना भ्रमण करना, इसी को कहते हैं हम विहार। भ्रमर यानी भ्रमरा, भ्रमर मतलब भ्रमरा। और आगे का शब्दार्थ मैं अभी बता रही हूँ किताब के माध्यम से। सत्कार, आदर सम्मान, सत्कार का अर्थ क्या होता है? आदर सम्मान। हरकर यानी दूर करके, हरकर का मतलब दूर करके। अनुपम, अद्वितीय, अनुपम का अर्थ क्या होता है? अद्वितीय। कुमकुम वर्णी, कुमकुम के रंग जैसा, कुमकुम देखे जानते हो उसको, चंदन लाल पीला के रूप में होता है चंदन, कुमकुम उसी को कहा जाता है। प्रभात मतलब सुबह, प्रभात मतलब सुबह। अश्व सप्त, सात रंगों के घोड़े, अश्व सप्त, सप्त मतलब सात, अश्व मतलब घोड़ा। अश्व जो संस्कृत का वर्ड है, सप्त भी संस्कृत का ही शब्द है, इसी को कहते हैं सात प्रकार के घोड़े। सकल मतलब समस्त, सकल मतलब समस्त। खलदल, खलदल मतलब पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड। सुमन मतलब फूल। ये आपका शब्दार्थ है, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। और अब आप इस प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है सूर्य उदय होकर क्या कर देता है? सूर्य उदय होकर क्या कर देता है? अभी आपको बता रहे हैं सूर्य उगते ही क्या क्या हो जाता है, आपको अपनी भाषा में लिखना है। गलतियों से डरे नहीं, अभ्यास करते करते आप सीखेंगे, आपको जैसा आंसर समझ में आता है वैसा आप लिखेंगे, फिर उसको हम चेक करेंगे और आपको सही आंसर खुद ब्लैक बोर्ड पे हम दिखाएंगे। कवि ने सूरज को किस प्रकार सवार बताया? कवि ने सूरज को किस पर सवार बताया? कवि जो है अभी सूरज को किस पर सवार बताया गया था, अभी हम बताए हैं आपको, आप अगर ध्यान से सुनते रहेंगे आपको जवाब जरूर होगा। और आपको गलती या सही आपको लिखना है अपने से, और हम आपको अगली क्लास में इसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखाएंगे। सूरज के उदय होते ही पक्षियों ने क्या किया? सूर्योदय यानी सूरज के उदय होते ही पक्षियों ने क्या किया? आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, सारा आंसर उसमें निहित है, आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो घबराइए मत, हम इसका आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखाएंगे। मुन्ना ने सुबह उठकर क्या किया? मुन्ना जो सुबह उठ के क्या किया, जवाब सोच के दीजिएगा, कविता में आंसर छुपा हुआ है। सुमनों का सत्कार कौन करती है? सुमनों का सत्कार, सुमन अर्थात फूल, फूल का सत्कार कौन करती है? कविता के लास्ट पंक्ति में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, हम लास्ट पंक्ति में आपको बता रहे हैं। अब है ख नंबर में, कविता को पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। डैश की डोरी ले, डैश सजधज तैयार, आपको आंसर मिलेगा। कि तो कविता में ही आप पढ़ेंगे और पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहेंगे, आप इसको हल्के में मत ले, पढ़िए आप, क्योंकि हम लोग आपके हमेशा साथ हैं। और आप घबराइए भी मत, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी। देखो देखो डैश आया रथ, डैश यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, आप देख रहे हैं किताब के माध्यम से। अब गौ नंबर में आइए, गौ नंबर में है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी इसका अर्थ लिखना, भावार्थ इसका अर्थ क्या है। कुमकुम वर्णी भाल तिलक वन, उगता सूरज उगता पूरब से प्रभात, इसका अर्थ लिखना है। सप्त रश्मियों की डोरी ले, अश्व सप्त सजधज तैयार, इनका आपको अर्थ लिखना है। सबसे पहले बच्चों आप इस कविता को शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है उसको देखकर शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, फिर उसकी अशुद्धियों को दूर करेंगे,
लिखने में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, उसको दूर करते हुए लिखेंगे और उसके बाद इसका वाचन शुद्ध करेंगे और कविता याद करेंगे। शब्दार्थ जो हमने अभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको बताया है और शब्दार्थ किताब में ही है, इसका शब्दार्थ को उत्तर पुस्तिका में नोट करके उसको याद करेंगे। अभी अब हम आपको होमवर्क देते हैं जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और उस होमवर्क को पूरा करेंगे। अगली क्लास में मैं इससे प्रश्न पूछूंगी और आपका जवाब भी चेक करूंगी। चलिए होमवर्क नोट कीजिए। स्टार्ट। बच्चों यहाँ लिखा हुआ इनके उत्तर दे, इनका उत्तर आपको देना है संक्षिप्त में। पहला क्वेश्चन है सूर्य उदय होकर होकर क्या कर देता है, क्या कर देता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप विधियत से बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में व्याकरण की क्लास में। दूसरा क्वेश्चन है कवि ने सूर्य को किस पर सवार बताया है, पक्षियों ने क्या किया। चौथा क्वेश्चन है मुन्ना ने सुबह उठकर क्या किया, मुन्ना ने सुबह उठकर क्या किया। पांचवा क्वेश्चन है सुमनों का सत्कार कौन करती है, सुमनों यानी फूल, सुमनों का सत्कार कौन करती है, सत्कार मतलब होता है आदर भाव स्वागत। एक बार मैं प्रश्न को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है सूर्य उदय होकर क्या कर देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कवि ने सूर्य को किस पर सवार बताया है। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य के उदय होते ही पक्षियों ने क्या किया। चौथा क्वेश्चन है मुन्ना ने सुबह उठकर क्या किया। पांचवा क्वेश्चन है सुमनों का सत्कार कौन करती है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने तरीके से देंगे, अपने भाषा में देंगे, आप घबराइए मत, हम आपके हमेशा साथ हैं और आपका उचित आपका आंसर को चेक करते हुए उचित आंसर हम बताएंगे। और इस शब्दार्थ को याद करेंगे, सबसे पहले आप कविता को सुसुत पढ़कर उसको याद करेंगे। बच्चों SNPS के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें सभी का स्वागत है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकले, माता पिता का कहना माने। बस इसी खत में इस आज का क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।